So Bigg Boss Season 16 fame Charlene Bhanot has finally opened up about Abdu Rozik and MC Stan's fight. And not just that, उन्होंने ये तक बोला है कि अभी at present he's more busy in handling his own fights. Yes, you heard that right. Hello, I'm Reesham and you're watching DNP Firstly. Welcome back to our channel. In case अगर अभी तक आपने हमारे channel DNP को subscribe नहीं किया, then what are you waiting for? Please कर ले. Thank you and I'm back with another entertainment related segment. Yes, you heard that right. So like I said कि Charlene Bhanot has finally commented on Abdu Rozik and MC Stan's fight. और उन्होंने बोला है कि उन्हें एक्चुअली में नहीं पता कि MC Stan और Abdu Rozik के बीच में चल क्या रहा है, और उन्होंने ये भी बोला है कि एट प्रेजेंट वो अपने घर की लड़ाइयों को सुलझाने में ज़्यादा बिजी हैं. वेल, उनके खुद के घर की लड़ाइयाँ, वेल लेट मी टेल यू कि शालिन भनोत को एक सीरियल मिल चुका है, दैट इज़ एकता कपूर का एक सीरियल बेकाबू मिल चुका है एज अ मेन लीड. ही इज़ एक्चुअली एक्टिंग एज अ मेन लीड एंड उस पर्टिकुलर जो सीरियल है उसकी कास्टिंग बिग बॉस में ही हो गई थी. जी हाँ, जब मैं आपको बता दूं कि जब फिनाले था तभी सलमान खान ने अनाउंस किया था कि शालिन भनोत को एज अ लीड एकता कपूर का सीरियल मिल चुका है बेकाबू विच एयर्स ऑन कलर्स. एंड अभी शालिन इतना ज़्यादा बिजी हैं यू नो इन एक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर द रोल कि उनको अपने घर पर भी टाइम नहीं मिल पा रहा. ही वेंट ऑन टू से कि वो घर जाते हैं, ही जस्ट स्लीप्स, फिर वो अपनी कार में जाते हैं, वैनिटी एंड दैट्स इट. देयर आर जस्ट थ्री प्लेसेस दैट इज रोमिंग अराउंड, दैट इज़ घर, वो भी अपना बेडरूम, फिर वो जाते हैं गाड़ी में और फिर वैनिटी में, गेट्स रेडी एंड ऑन द सेट्स एंड दिस इज ऑल अबाउट इट. जहाँ ही ऑल्सो वेंट ऑन टू से कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी तक उनका बिग बॉस ख़त्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो कुछ ही जगहों में ऐसा लग रहा है कैद हो गए हैं, क्योंकि पहले वो बिग बॉस के घर के अंदर थे, एक रियलिटी शो के अंदर थे, ही इज़ वर्किंग ओवर देयर एंड अब जब वो बाहर आ गए हैं देन ही इज़ सो इन्वॉल्व इन शूटिंग एंड वर्किंग कि अब उनके पास एक्चुअली में कोई टाइम बचा ही नहीं है. जी हाँ, जहाँ अगर हम उनके घर की प्रॉब्लम्स की बात करें तो मैं आपको बता दूँ दैट ही वेंट ऑन टू से क्योंकि वो अपने घर पे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि उनकी जो मॉम है या उनके जो फैमिली मेम्बर्स है आर रियली अपसेट. जी हाँ, जहाँ उन्होंने बोला दैट बिकॉज वो घर पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, स्पेशली अपनी मॉम को, एंड दैट इज़ द रीज़न जो उनकी मॉम है वो बार बार आके उनको बोल रही हैं कि वो अपने पे भी ध्यान दे, उनकी फैमिली के साथ भी काम करे, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है. एंड दैट इज़ द रीज़न उन्होंने ये बोला है कि वो अपने पहले खुद के घर की जो सारी लड़ाइयाँ हैं उसको तो सुलझा लें, उसके बाद ही वो कुछ एमसी स्टैन और अब्दू की लड़ाई पर कुछ ध्यान दे पाएंगे. जो मैं आपको बता दूँ कि शिव ठाकरे ने बोला था कि यू नो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है एंड ही इज़ वेटिंग कि जल्द से जल्द ये जो पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाए. वेल, अब्दू रोज़े की लड़ाई पर एंड शालिन भनोत के स्टेटमेंट पर आपका क्या टेक है? आई वुड रियली वॉन्ट टू नो योर टेक इन द कमेंट डाउन बिलो. एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज एंटरटेनमेंट रिलेटेड सेगमेंट. अगर आपको हमारा अच्छा कंटेंट और वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू DNP. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग DNP.